9 बजे कॉफ़ी पी रहा था तो गोलियों की आवाज़ आई, तो जैसे हम इधर बैठे बाहर छत के ऊपर एक वो LMG उनका जो है उसकी गोली आके लगी, तो मैंने समझा शायद कोई आपस में कोई भुक्टियों का कोई झगड़ा हो गया, किसी ने फायरिंग की है, तो पता चला कि नहीं जी वो FC के मोर्चे से फायरिंग हो रही है। तो मैं गया अंदर वालिद को बताने, वालिद कोई नाश्ता करते हैं 9:30-10 बजे, तो वो नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा जी ऐसे कोई फायरिंग हो रही है, तो खैर नाश्ता वगैरह किया, कपड़े वगैरह बदली किया, वही जो कचहरी में तरीका होता है बाहर बैठने का, वो हम आके ना कचहरी में बैठे, तो वो बाद में हमने रियलाइज़ किया कि जो पहाड़ के ऊपर डेरा भुट्टी के पहाड़ के ऊपर जो चौकी थी वहाँ से वो लोकेशन और वो मूवमेंट वालिद की देख रहे थे कि कहाँ, जब हम घर से निकले हैं और कोर्टयार्ड से गुजरते हुए बाहर आए हम कचहरी में, तो बमबारी शुरू हो गई, तो वो उनको नज़र आ गया था कि अभी नवाब साहब इस टाइम कहाँ पर हैं, तो वो जहाँ जहाँ हम बैठे थे वहीं पर एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर 3 साइडों से बमबारी हो रही थी, ऊपर पहाड़ से डेरा भुट्टी में जो किला है और फिर सुई रोड के ऊपर जो इनका इन्होंने कैंप लगाया था वहाँ से, तो 3 एंगल से हमें वो बमबारी कर रहे थे। तो ये सिलसिला चलता रहा, जिस कमरे में वालिद लोगों को बिठाते हैं किसी से सलाह मशवरा करना होता है, तो वो जिस कमरे में हम जाके बैठे वहाँ पर कुछ 7-8 और लोग भी लोग थे, वहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ उस कमरे में, जिसको अल्लाह बचाते हैं फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो उसमें भी हम महफूज रहे, हालांकि उस कमरे के अंदर बम गिरा, और उसके बाद हम निकले तो 4 घंटे मतवातर शेलिंग और फायरिंग होती रही। 2:15 बजे जाकर जब उन्होंने देखा, और उस दौरान हमारे सामने लेफ्ट एंड राइट पे गोले गिर रहे थे लोगों को, मेरे वालिद का जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी था रफ़ीक भुट्टी, वो उसकी भी टांग आधी उड़ गई थी, वो अभी भी इधर क्वेटा में है, वकील है। तो वो जब हम वहाँ से निकले वालिद को, क्योंकि वालिद फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे तुरैया सैटेलाइट फ़ोन, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन पाकिस्तान का नहीं था, वो था अमेरिका का, तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि अमेरिकन कोलैबोरेशन था टू ट्रैक डाउन कि ये मोबाइल कहाँ पर है जो फ़ोन था। तो जब हम वहाँ से जब हम निकले सनसीला की तरफ, जब तक हम रेंज में थे ये बमबारियाँ कर रहे थे, रॉकेटें मार रहे थे, गोले बरसा रहे थे, फिर हम जब वहाँ से उनके रेंज से निकल गए फिर खामोशी हो गई। तो बाद में हम वापस आए रात को, वालिद और मैं और बाकी, तो सन्नाटा छाया हुआ था, लाशें लोगों की पड़ी हुई थी, फिर उनको पता चला तो दोबारा वो एक्टिव हो रहे थे, तो हम वहाँ से फिर उनके रेंज से निकल गए। तो 66 पीपल डाइड, उनमें से ज़्यादातर हिंदू औरतें बच्चे मर्द थे। हिंदू इसलिए ज़्यादा मरे क्योंकि सदियों से जो सरदार का किला है वो एक तरह से उनको तहफ़ देता था, बीइंग अ माइनॉरिटी, तो सारे जो हिंदू जो कारोबार करते थे सदियों से वहाँ रह रहे हैं, तो वो सरदार के किले के इर्द गिर्द उन्होंने अपने घर वगैरह बनाए थे ताकि वो महफूज रह सके और उनको तहफ़। तो ये पहले दफ़ा तारीख में हुआ कि वो सरदार के किले के बगल में रहते हुए, क्योंकि जितने भी टारगेट से शॉर्ट ऑफ द टारगेट शेल्स गिरे वो सारे हिंदुओं के ऊपर गिरे,
उनमें मंदिर उनके तबाह हो गए, औरतें बच्चे इधर वो उन्होंने पनाह ली हुई थी, वो एक ही जगह में मेरा ख्याल है कोई 8 या 9 तो औरतें बच्चे एक ही काली मंदिर है या ऐसे कुछ नाम है उसमें थे, पनाह लिया था उन्हें, उसको उनको डायरेक्ट हिट हुआ। तो टोटल कोई 66 पीपल वर किल्ड दैट डे। तो ये हमारे डेरा पुख्ती के एक तारीख में एक बड़ा स्याह दिन है और अफसोस का भी दिन है कि इतने लोग बेगुनाह मारे गए। तो ये उस दिन उनका असल में जो बाद में रेडियो जो वायरलेस कैच कर रहे थे लोग, हमारे भी उनके जो बातें सुन रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि जी बस अभी जी खुशखबरी मिलने वाली है, बस अभी खुशखबरी मिलने वाली है कि अभी डायरेक्ट कहीं ना कहीं पर डायरेक्ट हिट अकबर खान को ये कर लेंगे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है पर वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो इन्होंने अपना पूरा वस किया उस दिन के नवाब अकबर खान को शहीद करें। तासरात तो जब हम बैठे हुए थे उधर कचहरी में और जब गोले गिरने शुरू हो गए तो वालिद ने कहा कि दिस इज़ द एंड ऑफ द बलोच इन पाकिस्तान। आज इन्होंने अभी बलोच का पाकिस्तान में रहना मुश्किल है, दिस इज़ द एंड ऑफ इट। और वही हुआ, फिर हम गए पहाड़ों पे, फिर तो पहला रिएक्शन यही था फादर का कि दिस इज़ द एंड ऑफ द बलोच इन पाकिस्तान। देखें ओहदे पर रहना एक बात होता है, फिर ओहदे पर आप आकर अपने सूबे के जो हकूक हैं, जायज़ हकूक हैं, जो लूटमारी इधर मची हुई है जब से पाकिस्तान बना हुआ है, उसके लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं, अगर आप वज़ीर आला बन जाते हैं या गवर्नर होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप आवाज़ नहीं उठाएं, बस आप ये झंडे के साथ गाड़ी आपके पर गाड़ी पर झंडा लग गया है, बस आप इसी को खुश रहें, जैसे माशाल्लाह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो वो जो थे वो उस पर सेटिस्फाई नहीं थे कि जी खाली मुझे झंडा मेरे गाड़ी पे लग गया है और घर पे लग गया है तो बस मैं इसी से खुश रहूँगा। वो कह रहे थे कि बाकी जो बलोचिस्तान का जो जायज़ जो लूट मार इन्होंने मचाई है उसको रोकना था और वो हकूक के लिए। तो हमेशा जब भी वज़ीर आला जब भी बने तो उसमें भी सेबोटाज करते रहे, फेडरल गवर्नमेंट जो भी थी, पीपल्स पार्टी की थी या जो भी था, तो वो हमेशा से अंडरमाइनिंग करते रहे। तो वो कभी ये कोई कहते कि जी वो फलां वज़ीर रह चुके थे, गवर्नर रह चुके थे, लेकिन पावर उस टाइम भी पावर ट्रांसफ़र नहीं हुआ था जैसे आज भी नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा जद्दोजहद करते रहे जवानी से लेकर अयूब खान के 10 साल दौर में। मेरे वालिद ने 8.5 साल जेल गुजारे, जो आप जिसको डिकेड ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। तो प्रोग्रेस बलूचिस्तान में तो कोई नहीं हुआ, अयूब खान का ही हुआ और उसके जो टोला था उनका। इसमें आधे से ज़्यादा झूठ है क्योंकि मैं ख़ुद PPL में था, कोई प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ था। शाजिया का रेप हुआ था जिसमें एक कैप्टन हमाद था वो इन्वॉल्व था, क्योंकि उसमें अगर ये ऐसे इलाका होता सुई में जहाँ किसी बुकटी के ऊपर डाल देते कि जी फलां बुकटी ने किया है रेप, तो ये उसी दिन डाल देते। लेकिन वो जो हॉस्टल था जहाँ पर वो डॉक्टर और नर्स वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल फौजियों के नाक के नीचे था चौकी के, तो सिर्फ उनको ही एक्सेस था वहाँ पर जाने का, जो मिलने का। तो वो सब कुछ उन्होंने खुद ही किया। फिर बोला जी हम कमीशन बनाएंगे, एक जुडिशल कमीशन बनाना था। जुडिशल कमीशन अभी तक नामजद नहीं हुआ था, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने कमांडो यूनिफॉर्म में आए TV पर और उन्होंने कहा कि कैप्टन हमाद इज़ 200% इनोसेंट। अभी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उस टाइम मार्शाला मतलब था तो मार्शाला ही, नाम आप नहीं दें उसको कुछ भी दें, तो कौन सा जुडिशरी में कोई बंदा खड़ा होकर बोलेगा नहीं जी
परवेज मुशर्रफ इज़ रॉन्ग, 200% झूठ बोल रहा है, और वो कैप्टन हमाद है। तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि बलूचिस्तान में ये एक स्टैंड क्यों लिया गया कि एक बाहर की लड़की आई है और हमारे सूबे में काम कर रही है और उसको रेप किया जाता है और आप आवाज़ भी नहीं उठाएं उसके लिए। तो उसके ऊपर, और ये जो कि 450 और गैस बंद हो गया, ये जानबूझ के इन्होंने किया था। पीपीएल का जो वो है, उस ज़माने में जो एडमिनिस्ट्रेशन था सारा, ये सारे उर्दू स्पीकिंग थे, ये परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी थे, उसमें मुनसिफ रज़ा था उसका एमडी, ये सारे ये एक ही टोला था। तो इन्होंने ये जानबूझ के गैस का बहरान बनाया ताकि बताने के लिए पंजाब को कि देखो जी अकबर बुकटी, तुम्हारे चूल्हे ठंडे हो गए हैं, तुम्हारे रोटियां नहीं पक सकती हैं। ये सारा ड्रामा रचाया गया था टू बिल्ड अप द केस जो बाद में उन्होंने हमला करना था, ये उसके लिए ग्राउंड बना रहे थे। नहीं नहीं, वो तो हम तो तैयार बैठे थे कि किसी भी टाइम हमला कर सके, क्योंकि वो हर जगह में चौकियाँ उन्होंने बनाई थी, पहाड़ के ऊपर, साइडों पर, रोडों पर, सुई डेरा बुकटी रोड के ऊपर, हर जगह में उनके उन्होंने अपने लोकेशन और हाई ग्राउंड पे, जो जैसा होते हैं आप अगर जंग में जाते हैं तो आप पहले कोशिश करते हैं हाई ग्राउंड आप पकड़े हैं। तो ये इन्होंने सारा पहले किया था, फिर भुट्टियों ने भी जाकर मोर्चे संभाले कहीं पर बाद जगह में, उनके ऊपर उन्होंने हायर ग्राउंड पे जाके पोजीशन ली थी। फिर यहाँ पर फिर उन्होंने दोगलापन अपना पुराना, जो इनका पुराना आदत है, जो इन्होंने नवाब नौरोज़ खान के ज़माने में भी खेला था और उनको कुरान के हवाले दे के पहाड़ों से उतारा गया था, यहाँ पर इन्होंने उनको पता था कुरान पे तो ये नहीं आएंगे, तो उन्होंने चौधरी शुजात को इस्तेमाल किया। चौधरी शुजात अपने मुंह से कहते हैं कि जी हमारे ऊपर बड़ा एहसान है नवाब अकबर खान के, क्योंकि जब भुट्टो दौर में चौधरी जहूर अलाई को यहाँ पर बलूचिस्तान भेजा गया था, तो भुट्टो ने मेरे बाप को रिक्वेस्ट किया था कि उसको फारग किया जाए जैसे होता है इधर पाकिस्तान में, तो मेरे वालिद ने इनकार कर दिया था, तो बोले ये काम करना है आप पंजाब में करें। तो चौधरी शुजात को मेरे वालिद साथ उनका वो था रबता होता था, मुलाकातें होती थी इस्लामाबाद वगैरह में, तो उनको इस्तेमाल किया गया कि आप जाकर नवाब साहब को झूठ जो भी था सबको झूठ था, वो तो चौधरी क्या चौधरी नहीं वो सैयद मुशाहिद सारे, तो सारे दो नंबर सैयद हैं, पता नहीं कहाँ के सैयद, मुशर्रफ भी सैयद है और ये भी सैयद है। तो ये इसने ये आते थे वालिद के साथ मीटिंगें करते थे कि आप हम ये पॉइंट आपके क्या हैं, मैं भी उस दो मीटिंग में मैं भी बैठा था, तो कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती थी। जब भी बात होती थी कोई पॉइंट वालिद रेस करते थे कि ये पॉइंट बलूचिस्तान का, तो बता दीजिए नवाब साहब 5 मिनट बाद से मैंने मोला दो, वो बाहर जाके आधा आधा घंटा सेटेलाइट फ़ोन पे लगा होता था इस्लामाबाद से या जहाँ भी या पिंडी से जहाँ से भी डायरेक्शन ले रहा होता था, फिर आके कहता था कि जी हम 2 दिन के बाद फिर आ रहे हैं। तो वालिद कहते हैं जब आपके पास मैंडेट नहीं है बात करने का तो आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें। तो ये फिर बाद में मुशाहिद ने जब परवेज़ मुशर्रफ ने अपना बकौले उसके दूसरी खाल अपनी उतारी यूनिफॉर्म, तो मुशाहिद हुसैन ने मेरे ख्याल इस्लामाबाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उसने कहा था कि हम अकबर खान के साथ हमारा जो डायलॉग हो रहा था या मुज़ाकरात हो रहे थे, जो हॉक्स जो हैं इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट में जो हॉक्स हैं बोथ मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन, वो इसके हक में नहीं थे कि कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात हों, तो वो डामाडोल करते रहे। तो मैंने मुशाहिद हुसैन को थ्रू द प्रेस एक बयान भेजा था, मैंने कहा कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म होती या मॉरल करेज होता तो आप ये बात मेरे वालिद को उस टाइम
मुंह पे कहते हैं कि जी हम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट में आपके खिलाफ बहुत बड़ा लॉबी है। तो मैंने कहा ये सारा नाटक से हम वो हो जाते हैं, आप मेरे बाप को झूठ बोलते रहे। तो ये इन्होंने खेल खेला। दूसरी बात फिर ये हमारे जो सारे सियासी पार्टियाँ हैं इन पर, इनसे बड़ा हमें दुख हुआ कि ये सारे आए। एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बना था, उसमें पीपल्स पार्टी थी, नवाज़ लीग था, पता है उस टाइम नवाज़ लीग था, कौन सा लीग था मुस्लिम लीग, क्योंकि दिन रात के बदलते रहते, काफ नान लून, कभी मीम कभी क्या हो जाते हैं। तो उसमें मुझे याद है ये आए थे, डेलीगेशन था कोई 15-16 लोगों का, एमएनए सेनेटर्स, उसमें शरी रहमान थी पीपल्स पार्टी के, एजाज जखरानी था, नवीद कमर था हमारे, फैज़ ये क्या नाम है, जमीतुलमा इस्लाम के हाफिज़ हुसैन अहमद थे, और मेरे खिलाफ भंडारा साहब थे, मारवी मेमन के वालिद साहब थे जो अभी मरूम हैं, तो दुरानी साहब थे जो बहुत करीब थे बाद में मुशर्रफ के, इस तरह बहुत सारे थे, मुझे सारे नाम याद नहीं। ये सारे आए थे डेरा बुकटी, इनको मैंने खुद कंडक्ट कराया, पूरा डेरा बुकटी का दौरा कराया, जहाँ जहाँ बमबारी हुई हमारे घर के ऊपर, हिंदुओं के टेंपल दिखाए। तो ये इन्होंने सारा अपने आंखों से देखा, तो उनका कंक्लूजन ये था कि जी ये तो अकबर बुकटी को कत्ल करने का पूरा वो था, इसमें ये नहीं था कि किसी ने इधर एक रॉकेट फेंक दिया या दो फेंक दिया, दिस वॉज अ कम्प्लीट प्री प्लान अटेम्प्ट टू मर्डर माई फादर। लेकिन उसके बाद जब अदालत में इधर मैंने केस किया, तो इनको मैंने सारों को ये सारे हुकूमत में आए बाद में, परवेज़ के जाने के बाद मुशर्रफ के, पीपल्स पार्टी भी आई, नवाज़ लीग भी आई, लेकिन किसी ने फिर मुंह से ये वाक़े के बारे में बात ही नहीं की आज तक। लेकिन प्रेस तो बहुत सारा, तो लोकल प्रेस को तो इजाज़त ही नहीं था इलाके में आने का। बीच में जो दो तीन फॉरेनर्स आए थे बड़े मेहनत इधर से दुश्वार रस्तों से होते हुए वो गए, और वालिद से मुलाकात की, इनमें अगर मैं सलाम पेश करता हूँ तो मैं आसमा जहांगीर साहबा को, खुदा उनको बख्शे, वो उन्होंने कोशिश की, वो आई, बल्कि जरा बुकटी वालिद से मुलाकात भी किया। तो ये जो बमबारी के बाद का जो एक साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, जब वालिद की शहादत तक, कोई 1.5 साल का, क्योंकि वालिद की शहादत तो अगस्त 2006 में हुई थी, तो 2005 के बाद से जो हालात ख़राब हुए वो फिर बिगड़ता ही गए। फिर ये हुआ कि दिसंबर में दोबारा इन्होंने बमबारी शुरू की, और उस टाइम मैं डेरा बुकटी में नहीं था, मैं कराची में था, मेरे सर्वाइकल का मसला था। तो वो उस टाइम जब रात को वालिद को फिर निकलना पड़ा डेरा बुकटी से, फिर वालिद कभी नहीं गए, और न मैं वापस आज तक वापस जा सका हूँ डेरा बुकटी। तो वो उसके बाद से फिर वालिद नहीं आए, फिर यही पहाड़ों पर कभी कहाँ पर वो वालिद को लोकेट करने की कोशिश करते थे, 3-4 जगहों में उन्होंने हमला भी किया, नाकाम हुए, पर आखिरकार 26 अगस्त को वालिद की शहादत हुई। पाकिस्तान के हामी तो आप नहीं कह सकते हैं, बलूचिस्तान के खैरख्वाह हमेशा रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ, बलूचिस्तान मेरी सरजमीन है, मेरा वतन है, मैं अपने वतन से खैरख्वाह अगर नहीं होऊंगा तो मैं दूसरे वतन से कैसे खैरख्वाह हो सकता हूँ। तो वालिद जो हैं वो हम कहते हैं कि जी नवाब साहब ने पाकिस्तान को वोट दिया था, बिल्कुल वोट दिया था। हम जब जवान हो रहे थे तो हम जब वालिद को जेल में मिलने जाते थे तो हम वालिद से पूछते थे, मैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था कॉलेज में, तो मैं वालिद से पूछता था कि जी आपने पाकिस्तान को वोट क्यों दिया। तो क्योंकि बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान एक था, कलास स्टेट अलहदा था। तो उस टाइम वालिद ने कहा कि हमने, मेरे वालिद की उम्र ये याद रखे उस टाइम 20 साल थी 1947 में, और खैर बस एक साल छोटे थे मेरे वालिद से। तो इन्होंने दोनों ने ख़त लिखा अंग्रेज़ को कि जी आप ने हमें ऑप्शन दिया है
कि आप या इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें, आप हमें थर्ड ऑप्शन दें कि इफ़ वी वांट टू ज्वाइन कलाथ। वो अंग्रेज ने नहीं दिया, ही सेड नो यू डोंट हैव दैट ऑप्शन, यू हैव ओनली आदर इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के साथ हमारा ना बॉर्डर टच होता था ना हमारा कोई कोई इतना शौक था किसी को, तो मजबूरी से देन वोटेड फॉर पाकिस्तान। ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि ये अंग्रेज ने हमारे साथ धोखा किया और हमें उस टाइम ऑप्शन नहीं दिया। देखें जो इन्होंने 16 साल पहले जो इन्होंने हेट्रेड का नफ़रत का जो बीज बोया था उसका फल अभी ये लोग देख रहे हैं कि 16 साल में इन्होंने कहा था कि जी अकबर भुट्टी को एक दफ़ा ख़त्म कर दें तो बलोचिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। तीन सरदार हमेशा वो अयूब के ज़माने जब छोटे थे तो तीन सरदार का नाम आता था, मरी भुट्टी और मेंगल। दो तो फौत हो गए, एक अतौला साहब रह गए सरदार साहब वाला, उनको लंबी उम्र दे, बाकी तो सारे इनके गोद में थे। बकौले जनरल परवेज मुशर्रफ के 72 सरदार आर इन माई पॉकेट। तो अभी तो वो जो 72 सरदार हैं उनके इलाकों में भी तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कदम लोग उठा रहे हैं उठा रहे हैं। मकरान जैसे इलाके में जहाँ कभी कोई ट्राइबल सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ तक फैल गया है। तो ये इनकी बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है इनसे कि अकबर भुट्टी को शहीद करके हम सारा मसला हल कर देंगे। अभी उनके हाथ से निकल गया है। अब तो अगर कोई आप किसी से, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको इतना शौक़ है कि आप बोलते हैं कि जी पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं और पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं, तो मैंने पहले भी बहुत साल पहले भी कहा था कि आप पहले तो रीडिमार्केशन करें बलूचिस्तान के सूबे का, जो पश्तून एरिया है वो वैसे ही कहते हैं कि जी हाँ बलोच हमारे साथ ज़्यादती करते जुल्म करते हैं, तो उनको बेशक आप अलहदा सूबा बना के देते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में डाल दें या वो अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो अपने सरजमीन पे बैठे हैं। लेकिन हमने कहा कि जो बलोच सरजमीन है और वो डेरा गाजी खान से लेके कश्मीर कंदकोट जैकमाबाद तक, ये आप लें। अगर आप कहते हैं कि बलोच पाकिस्तान के हामी हैं पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं, तो अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी एक रेफरेंडम करा दें, पता चल जाएगा कि एक सिंपल क्वेश्चन होगा, डू यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान और यू डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी अगर बोलती है कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम उसको तस्लीम करेंगे। ठीक है, बातचीत तो उन्होंने करनी है ना जिन्होंने हालात इस पॉइंट पर ले आए हैं। वहाँ से तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो जो बाकी कुछ आज जिधर पहले थोड़ा बहुत जमहूरियत या थोड़ा बड़ा नाम था वो भी देख रहे हैं आप लोगों के सबके सामने पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, तो वहाँ से कोई ऐसे सीरियस वो वही पुराने अपने थ्योरी उनका है कि वी विल शूट आर वे थ्रू। याया खान ने भी यही कहा था जब बांग्लादेश के ऊपर जुल्म ढाया था और हमला किया था, तो द फेमस स्टेटमेंट वॉज कि वी विल शूट आर वे थ्रू। फिर वो उसका जो नतीजा निकला वो सारे दुनिया ने देख लिया। जो अभी भी हम आप अपने बच्चों से पूछे तो उसको मेरे ख्याल है स्कूल में कॉलेजेस में कहीं इसका नाम निशान नहीं है कि बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, बल्कि यूनिवर्सिटी के मैंने पंजाब के यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट से किसी ने पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने पॉलिटिकल साइंस में किया है जर्नलिज्म में किया है गोल्ड मेडल है, मैंने कहा तुमने बांग्लादेश बोला जी बांग्लादेश के बारे में हमें सही यही पता था इट्स अ मुस्लिम कंट्री, हाउ इट केम इन टू बी उसके क्या ट्रेजिडी हुई उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। तो हम डिनाइल में हैं, बलोचिस्तान में भी ये अभी तक डिनाइल में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं या हमने जो कुछ किया ठीक किया है। तो जब तक ये माइंडसेट के साथ तो हम तो नहीं देख रहे हैं कि कोई इनसे बात करेगा,
क्योंकि वहाँ से कोई जेन्युइन ना कोई आप किसी पर भरोसा वाला कोई बंदा है ही नहीं जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिससे बात कर सकें, क्योंकि इनको बदलने में मैंने जैसे पहले कहा ये कुरान पे हाथ रख के मुकर जाते हैं, तो इनसे कौन कौन बात करेगा।